ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि अपनी गेम में क्रोनो कैरेक्टर आ चुका है, जो कि अपने सबके फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो गाइस आज ना मैंने सेम टू सेम वही वाला हेयर स्टाइल भी कर लिया है। ये देखो, पीछे छोटी सी चुटिया भी वैसी बांध लिया है। अब खैर, मेरे बाल थोड़े छोटे थे इसलिए एकदम वैसी तो नहीं हो पाई। और हाँ, अगर आप भी कुछ ऐसा हेयर स्टाइल कर सकते हो ना, तो करके अपनी जो फोटो है मुझे ट्वीट जरूर करना, या फिर इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, मैं भी देखना चाहूंगा आपने ऐसा स्टाइल करा है। तो गाइस आज की वाली वीडियो ना बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। आप लोगों ने मुझे बोला था कि यार, आप ना बिल्कुल भी ग्लू वॉल यूज नहीं करते हो, जिस वजह से आपको एनिमी इतनी ज्यादा आसानी से मार देते हैं। तो अभी ना मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है ग्लू वॉल लगाकर खेलने की। तो चलो यार, देखते हैं कि आज एनिमी मेरे को मारते हैं या फिर मैं एनिमी का मुंह तोड़ता हूं। वैसे हां यार, बहुत सारी आइटम्स ना हमें फ्री में दे रहा है फ्री फायर, तो जल्दी से ना चलकर उन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो उन्होंने मेरे को पहले ही गिफ्ट कर दिया था, बट मैं आप लोग को बताता हूं हमें वो कहां से मिलने वाली है। तो सबसे पहले ना हमें यहां पर जाना है, क्रेट ओपनिंग करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहला गिफ्ट हमें उन्होंने ये दिया, जो कि मैंने डायरेक्टली मिल जाएगा, ये वाला जो ब्लेड है। तो इसको फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसे क्विक इक्विप भी कर लेता हूं जल्दी से, और एक बैग भी है। तो अभी जल्दी से जो ऊपर ग्लोबल प्रोग्रेस आ रहा है, इस पर क्लिक करके हम लोग ये वाला बैग भी कलेक्ट कर लेते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया है। तो मैं इसको भी एकदम इक्विप करने वाला हूँ, मतलब कि ये जो आइटम्स है ना भाई, CR7 के सारे बहुत तगड़े हैं। एंड गाइस इतना ही नहीं, अपना तीसरा गिफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो हमें यहाँ पर जाना है क्रोनो बाउंटी में, एंड इसके बाद यहाँ पर देखो हमें बस ड्रॉ करने हैं। और ये जितने भी आप देख पा रहे हैं लिस्ट में से, टोटल 9 आइटम्स है, और हमारे पास ड्रॉ कितने सारे हैं देखो। तो भी फटाफट से ना बस ऑटोमेटिकली स्पिन करते रहते हैं। और यहाँ पर अभी हमें छोटी छोटी चीजें मिल रही है, बट ये जो ड्रेस है ना, हमें ये चाहिए। तो ये बाउंटी हम लोग स्विच भी कर सकते हैं, बट मेरे को वही वाले बाउंटी से चाहिए जो चाहिए। सीधा एक काम करते हैं गाइस, 10 ड्रॉ करते हैं। ओके, तो प्लीज मिल जाए, देखते हैं इस बारी क्या क्या मिलता है। एक आइटम मिला, दूसरा बैग, तीसरा, भाई अभी नॉर्मल आइटम मिल रहा है, लग रहा है मेरा लक ज्यादा अच्छा नहीं है भाई साहब। ओके, वैसे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं निकला, बट एक अच्छी खासी मेरे को क्रेट मिल गई। दोबारा से हम लोग 10 ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इसमें थोड़ी सी तो लक डिपेंड करती है। ओके, अभी भी नहीं मिला, प्लीज़ यार मिल जाओ। और गाइस अगर आपका निकल जाए ना, तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल 10 ओल्ड ड्रॉ मैंने कर दिए, और अभी भी ओके, तो मेरा यहाँ पर एक गॉगल निकला है, बट मेरे को भी और भी बाकी आइटम्स चाहिए। तो चलो गाइस, अभी ना एक काम करते हैं, एक एक करके ड्रॉ करते हैं। मुझे जो करेक्टर चाहिए था ना भाई, उसकी आउटफिट पूरी तो नहीं निकल पाई है। मैंने कहा था ना, इसमें सारा का सारा लक का खेला है। अगर आपका लक अच्छा है तो निकल जाएगा, वरना नहीं भी निकलेगा। शायद मेरे को लग रहा है एंड में मेरा चल। ओके, ये देखो यहाँ पर बूट्स मिल गए और ग्लास मिल गए, दो आइटम हो चुके हैं इस आउटफिट की। एंड दोबारा से गन की स्किन, नहीं यार बार बार एक ही चीज़ मत दो प्लीज़, बहुत बारी मेरे को मिल चुके, दोबारा से वही स्किन। शायद तो मेरा लक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके गाइस, मैं जैसी बोला लक अच्छा नहीं है, वैसे ही देखो यहाँ पर हमको हेयर्स भी मिल गए हैं। अब बस जो ऊपर का मेन टॉर्सो है ना, वो रह गया है, और फाइनली पैंट भी निकल गया, अब बस एक टॉर्सो रह गया, प्लीज हो जा। ओके गाइस, फाइनली पूरी पूरी ड्रेस वैसे निकलनी है, क्योंकि क्या है ना कि एक बार जो आइटम मिल जाएगा ना, उसके बाद दोबारा शायद से उसके ऊपर स्पिन नहीं होगा। चलो ठीक है, अपना लक ठीक ठाक था यहाँ पर हो गया। बट इतना ही नहीं, अभी और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। एंड गाइस, जो अगला फ्री आइटम है ना, वो बहुत ज्यादा लकी पर्सन को ही मिलने वाला है फ्री में। तो ये वाली जो आप बाइक देख पा रहे हो ना, अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी है। बट इसके अंदर ना हमें सिर्फ एक ही स्पिन फ्री मिला है। अगर हम एक बार में से निकाल देते तो समझ लो आपकी किस्मत अच्छी है, वरना फिर आपको डायमंड्स यूज करने पड़ेंगे, और मेरी किस्मत अच्छी नहीं। बट यहाँ पर अच्छी बात है कि मेरे को वायलेट टेरर गन बॉक्स मिल गया। बट ठीक है, आपकी तो हो सकता है बाइक निकल जाए, बट मेरी नहीं निकली, क्या पता मेरे को पहले से गिफ्ट मिल गया हो इसलिए। और गाइस, ये जो लास्ट आइटम है ना, ये तो हम सबको 100% मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मल मैच खेलना है। एंड मैच खेलते हमें टोकन मिलेंगे, और जैसे 10 टोकन कलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमें MP5 की एकदम कूल सी स्किन मिल जाएगी, और अभी इसी स्किन से मैं खेलने वाला हूं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जो जो आइटम्स मेरे को मिले थे ना, वो मैंने सारे के सारे इक्विप कर लिए हैं। और गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग एक क्लासिक मैच स्टार्ट कर देते हैं, बट यार उससे पहले ना मैं जल्दी से अपने हेडफोन्स यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपनी लॉबी में आ चुके हैं। वो ये एक सेकंड, लास्ट टाइम मैं इस जगह पर आया था, बट मैंने ये वाला बटन नहीं दबाया था, और अभी बटन दबाते ही मैं पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ। बाकी तो और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपने क्रोनो की जो वाली ड्रेस है कितनी ज़्यादा तगड़ी है, और जो मेरे हाथ में MP5 की स्किन है वो तो और भी ज़्यादा OP है। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल स्किन और जो ड्रेस है उस पर कम ध्यान देते हैं, और मैच पर फोकस करते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल अपना मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार, अभी ना मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि यार देखो, अगर हमें ग्लू वॉल स्टार्टिंग से मिलेगी तो ही तो मैं उसे यूज करूंगा। वैसे जो अपनी प्लेन लाइन है ना, वो उस टाइम पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, फैक्ट्री जाऊँ या फिर क्लॉक टावर। वैसे देखो, क्लॉक टावर पर ना काफी सारे एनिमीज आते हैं, तो मेरे हिसाब से ना मुझे वहां पर जाना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल बीच रास्ते में मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। पहले मैं जा रहा था क्लॉक टावर, बट अभी मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री।
क्योंकि यार क्लॉक टावर पर ना कुछ ज्यादा ही बंदे आ जाते हैं और अगर उनसे फाइट होगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे यार एक सेकेंड, बंदे यहाँ पर भी कम नहीं आए हैं, मुझे दो बंदे तो दिख गए हैं। अब दो नहीं भाई, इधर बहुत सारे बंदे हैं, तो यार मुझे मुश्किल लग रहा है इधर सर्वाइव करना, बट कोई नहीं, अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ। ओ भाई सब उतरते, मेरे को VSS मिल गई ओपी भाई। ओके अरे शिट, मैंने बुलेट कैसे फायर कर दी। ठीक है अभी सामने की तरफ में बंदे आए हैं, पहले ना थोड़ा बहुत छुप छुप के खेलेंगे, पता चला उतरते ये लोग मेरे को मार दे तो फिर ज्यादा ही गलत सिचुएशन हो जाएगी। वैसे यार ये वाली जो मेरे को पिस्टल मिली है ना, ये मैंने कभी यूज नहीं करी, इसके अंदर 25 MO है। अब पता नहीं इसका डैमेज कैसा है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ट्राई तो नहीं करने वाला, अपनी VSS ट्राई करेंगे अगर सामने एनिमी आता है तो। बाकी इधर से फायरिंग हो, भाई दो तीन बंदों की फायरिंग चल रही है, लग रहा है बहुत तगड़ी फाइट है कोई। तो भी अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, फायर कौन कर रहा है ये, मेरे को तो यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा। ठीक है अभी यहाँ पर फर्स्ट एड मिल गई है, वैसे लूट अच्छी खासी मिल गई है, बस अब हेलमेट वेस्ट मिल जाए ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भी कोई फायदा नहीं। ओ कौन मारा भाई साहब, इसकी ऐसे की तैसी मार तेरी ऐसी। ओ भाई साहब चार गोली मार दी, मरा नहीं यार ये VSS का डैमेज। ओह भाई या तो उसका नेट स्लो था या फिर मेरा नेट स्लो था, पता नहीं, बट मेरा तो ठीक था, मेरे पिंग अच्छे आ रहे हैं, शायद इसका कोई इशू होगा, बट जो भी हो अपनी किस्मत अच्छी थी हमने इसे मार दिया। और इतनी सारी फर्स्ट एड लेकर ये कहाँ घूम रहा था भाई, ये क्या सीन है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, अभी स्कार है मेरे पास एंड VSS है। तो गाइस यार देखो बिना, फिलहाल ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है ना, मैंने इसे चेक कर लिया, बट मेरे को कोई एनिमी दिख नहीं रहा था अभी तक, और अभी अभी ना उसने मेरे को कहीं से तो मारा, मेरे को मालूम नहीं पड़ा है अबे कहां से मार रहा है भाई, बाहर निकलती रही ऐसे की तरह से। ओ ग्रेनेड डाला उसने, ओ ओ, ओ एक सेकेंड भाई, पहले छुपना पड़ेगा, ये ग्रेनेड कहां से डाल रहा है भाई, एक मिनट रुको, अबे है कहां पर यार, दिख जा एक और, अच्छा ऊपर से ग्रेनेड डाल रहे, अब तो तू गया बेटा, रुक जाओ भाई, लेकिन यार मैं मारूंगा कैसे, मेरे को हील करना पड़ेगा पहले, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, यहां पर ना अभी रिस्क लेना पड़ेगा, अभी रश करते हैं, क्रोनो की हम लोग एबिलिटी यूज कर लेंगे। अब बोल बेटा तेरी ऐसे की तैसी। तो गाइस देखो ये है, अगर मैं चाहता तो मैं हील करके जाकर इसे मारता, बट क्रोनो की एबिलिटी कब काम आएगी यार, हमें हील करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बंदे को भी कूट डाला, लूट देख रहे हो, Level 3 का हेलमेट, Level 3 की वेस्ट और गाड़ी जा रही है यहाँ से। ओके मैंने MP5 इसलिए उठाई है क्योंकि मेरे पास स्किन है इसलिए। बाकी ये कौन सा गन है यार इसके पास, ये कोई स्नाइपर लग रहा है भाई, बाहर बंदे आ गए और मुझे लग रहा था यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमी हैं, तो मैं बाहर निकल से उनसे लड़ूँ या छुप के कैंप करूँ। नहीं यार कैंप नहीं करना, अभी ग्लू वॉल की प्रैक्टिस करिए, कैंप करने के लिए नहीं, अभी हील करते हैं, रश करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल फर्स्ट एड्स लगाकर मैंने अपनी HP बढ़ा लिया है, अभी ना जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं, यहीं कहीं से गाड़ी गई थी, बट अभी ना मेरे को कोई भी गाड़ी इधर नजर नहीं आ रही है। अबे किधर ले गया यार गाड़ी, मेरे को आवाज तो आई थी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उस गाड़ी के ऊपर ना किसी एनिमी ने फायर भी करा था। तो ओ एक और गाड़ी आई सामने से, नहीं ये वही गाड़ी घुमा कर ला रहा है शायद। ओके साइड हो जाओ भाई, मेरे ऊपर चढ़ा देगा ना, इसको रुक जाओ गाइस, मारू कैसे इसको, जाने दूं या मारू, नहीं ये ओ ठुक गया, इसको मारो भाई, इसको तो मारो, ठुक जाओ, कवर लेके मारेंगे, चल तेरी ऐसे की तरह। ओ नहीं एक और, चल यहाँ से हटा इसको अपनी गाड़ी, ओह आँख निकल गई उसकी गाड़ी से यार, शिट एक और गोली में मारता ब्लास्ट हो गया, भागने तो नहीं दूंगा तेरे को मैं, अरे यार भाग गया, क्या किस्मत है यार, रुक जा रुक जा रुक जा, भाग कर वो यहाँ सेटिंग कैसे खोल, ये रह एक दो और तीन, निकल यहाँ से भाई, ये गन स्नाइपर तो क्लोज रेंज में भी बहुत सही चल जा रही है, मैंने ढंग से नहीं चलाना, मतलब कि एकदम हेड पे रख के चला दी और उसके पड़ भी गई। चलो अभी फिलहाल गाड़ी वाले बंदे को तो मैंने मार दिया, इसको लग रहा है ना पता नहीं चला था मैं इसे मार कहाँ से रहा हूँ, ये भागता भागता फैक्ट्री के अंदर क्यों जा रहा था, मैं इसे इधर से ही मार रहा हूँ, भाग के मेरे पास ही आ रहा है, बंदा होता छुपता इधर उधर, बट कोई नहीं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल 14 लाइफ्स एंड मेरे 3 किल्स हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैं और कितने किल्स कर पाता हूँ। वैसे यार देखो मुझे ना मालूम है कि अभी तक मैंने ग्लू वॉल यूज नहीं करी है क्योंकि यार उतनी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ओ कौन मारा एक सेकंड, ओ भाई भाई रुक जाओ, पहले अपनी शील्ड एक्टिव करेंगे, अच्छा बेटा मेरे को तो दिख गया, ओपन फील्ड में रहकर इसके चार्ट बजा, चल तेरी मर जा भाई, एक ले बेटा भाई, ये गन सच्ची में अच्छी है यार। गाइस मेरे को आप लोग कमेंट में बताना कि ये गन सच्ची में बढ़िया है या फिर आज मेरे तुक्के लग रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट मेरे को भी अच्छी लग रही है। तो भी जल्दी से हील करते हैं भाई, क्रोनो की एबिलिटी ना यार ओपी है, ग्लू होल मैं बाद में यूज करता हूँ, मैं इसकी एबिलिटी पहले यूज करता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे को मैंने एकदम दबा कर लूट लिया है, काफी ज्यादा अच्छी खासी लूट ये लेकर बैठा हुआ था, तो भी जल्दी से हमें यहाँ से निकलना है। बाकी और क्या क्या सामान काम का है, शॉर्ट गन्स मैंने ले लिया है एंड मेरे पास एमओ वगैरह बहुत सही है और मेरे को फर्स्ट एड इसके पास यार भरी हुई है। तो चलो गाइस यार अभी ना इस बंदे को छोड़ो, इसके पास इतना ज्यादा सामान है ना कि मैं लूटता ही रह जाऊंगा और मेरे को कोई ओपन फील्ड में ना यहाँ पर मार के चले जाएगा। तो इससे बढ़िया मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से ना सामने वाले घरों पे चलता हूँ, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं
हो सकता है यहाँ पर एनिमीज आए, हम लोग उनको मार दें। तो गाइस यार देखो बिना, फिलहाल मैं सामने वाले घर पर आकर कैंप तो कर रहा था, बट सामने की तरफ में ना मेरे को कुछ दिखा। अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलकर देखते हैं वो क्या सीन। और मैं कैंप नहीं कर रहा था, मैं इधर होल्ड कर रहा था नेक्स्ट जोन बनने का। अभी फिलहाल ना मैं जोन के अंदर ही हूँ, तो बट फिर भी हम लोग जोन के सेंटर में जाएंगे ताकि थोड़े बहुत और किल्स निकाल पाएं। अभी 10 अलाइव हैं, मेरे 4 ही किल्स हैं, तो एटलीस्ट 5 तो होने चाहिए। वैसे ये चीज़ क्या है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये गोला सा क्या चीज़ है। ओके टेलीपोर्ट, ओह ये हम लोग, अच्छा ये टेलीपोर्ट हो जाएंगे इससे हम लोग इधर से उधर। भाई ये तो बहुत सही है, मैंने इसे पहले ही नहीं नोटिस करा था। बट सामने की तरफ में मेरे को अभी एक ड्रॉप होता हुआ नजर आया। इसमें ना दो कलर के हैं, ग्रीन कलर का है और एक ऑरेंज कलर का है। तो गाइस ऑरेंज वाले से क्या होता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ग्रीन वाले से तो हम लोग टेलीपोर्ट हो गए, शायद ऑरेंज वाले से भी टेलीपोर्ट ही होते होंगे, बट शायद क्या पता और दूर टेलीपोर्ट होते हो, पता नहीं यार उससे क्या होता होगा। बट अगर अभी एक गाड़ी मिल जाएगी ना तो मैं ड्रॉप के पास जाके ड्रॉप लूट लूंगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, वहाँ एनिमीज हो सकते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता पीक तक तो पहुंच चुका हूँ, और सामने की तरफ में बंदा है ना ये शायद से, ओ हाँ वो एनिमी है। एक सेकंड रुक जाओ, ये ड्रॉप लूटने जा रहा है। एक मिनट, एक पड़ी, दूसरी भी पड़ गई, तीसरी बच गई। अब खा ले भाई, बच गया यार वो, मैंने इतना डैमेज, ओ पड़ी। एक और खा ले भाई, मर जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। ओ वाओ इसको मैंने मार दिया। चलो मेरे को लग नहीं रहा था मैं इसे मार पाऊंगा। ये गन यार सच्ची में बहुत सही है, जा सकता 4 शॉट में इसको मार दो ना इस गन के, बंदा ढेर है। अभी जल्दी से ना मैं चल के ड्रॉप लूट, नहीं यार ड्रॉप पे नहीं जाना, अभी मैच अच्छा खासा जा रहा है तो भे मतलब मैं ना ड्रॉप की लालच में मेरे को मरना नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल उस बंदे पे जो जो काम का सामान था ना वो मैंने सारा का सारा उठा लिया है। वैसे मेरे को ना अभी ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास ग्लू वॉल है, लैंड माइन है, फर्स्ट एड्स हैं, और मेरे को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। और हाँ हेलमेट वैसे मेरा ठीक ठाक है, वेस्ट थोड़ी खराब है, अगर रिपेयर हो जाती तो बढ़िया रहता। बाकी इधर काफी सारी एयर ड्रॉप है, सामने बंदा। एक सेकेंड यार ये बहुत तेज भाग रहा है। एक पड़ी, एक और खा, अबे अबे तेरी बच गया यार। एक यार किस्मत बहुत सही है इसकी, रुक जाओ इसको तो मैं मार के रहूंगा, बट पहले कवर ले लेते हैं, पता चला पीछे से कोई आ जाए। झांक बेटा, अबे कहाँ चला गए यार, ये तगड़ा प्लेयर लग रहा है, छुप छुप के खेल रहा है एकदम। ओके एक और कहा, ओ भाई क्या मार रहा है ये, ओ तेरी ये कुछ रॉकेट लॉन्चर सा मार रहा है यार। रुक जाओ पहले अंदर घुसो भाई घर के। भाई इसने रॉकेट लॉन्चर अगर मेरे एक मार दिया ना मैं मर जाऊंगा, बट हाँ उसकी भी एचपी ज्यादा नहीं है। वहां कोई आया, अबे दूसरा एनिमी आ गया वहां। ओ, ओ, ओ दो बंदों की फाइट चल तेरी ऐसी। मैंने उसका किल चुरा लिया, सारा डैमेज उसने दिया, मैंने उसका किल चुरा लिया। बट बंदा बहुत तेज था, साइड एम्बर उसने ग्लू वॉल लगा ली। यार मैं इसको कैसे बाहर निकल ग्लू वॉल से, यार एक गोली मार दी ना मैंने ये मर जाएगा, बट ये बाहर नहीं निकलने वाला। 6 किल्स हो चुके हैं अपने एंड इस टाइम पर 4 अलाइव है, ठीक है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे तो नहीं लगता वो बंदा अपनी ग्लू वॉल के पीछे से अभी हटने वाला है, तो इसलिए ना मुझे यहाँ पर ना ओपन फील्ड में अलग रास्ते से जाकर उसे मारना चाहिए फ्लैंक करके। बट सामने की तरफ से कोई उस पर फायर कर रहा है, कौन है भे? एक सेकंड मैं उसको पीछे से जाके धप्पा कर दूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे को दिख नहीं रहा यार, एक सेकंड। और अभी गाइस 2 ही एनिमीज बचे हैं, 3 अलाइव हैं टोटल एंड 2 एनिमीज है। कोई तो उधर से मेरे को मारने की कोशिश, ओके शायद दिखा, रुक जाओ। हाँ ये बंदा है, तब तेरी उठ, ओ पड़ रही है उसके, मेरे को दिख भी नहीं रहा बट मैं उसको मार रहा हूँ, वो घासों में है ना लेटा हुआ है। ओके रेड डॉट हो जा प्लीज, यार नहीं दिख रहा, पता नहीं मैं एक और ट्रैक ग्रेनेड होता ना मैं डाल देता उसके ऊपर। ओ मारा भाई साहब, एक मिनट ग्लू वॉल लगाएंगे गाइस, आज ग्लू वॉल लगानी पड़ेगी, पहले लेट जाता हूँ आराम से, पता चला ग्लू वॉल क्योंकि मैं थोड़ा स्लो हूँ। ओके ठीक है, अभी मेरे को पता है गाइस मैंने बहुत ज़्यादा स्लो लगाई है, बट हाँ मैंने लगा दी, अच्छी बात है। बंदा ये रहा, एक और था खा ले। ओ मर क्या भाई, उसने हील नहीं करा था या फिर ये गन का डैम। भाई ये गन सच्ची में अच्छी है, अभी तक मैंने जितने भी बंदे मारे हैं ना भाई इसी से मारे अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी मेरे को जोन में भी जाना है, एक ही एनिमी बचा है भाई, हम लोग बुया के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बट यार बहुत तेज जोन भी आ रहा है, मेरे को भागना पड़ेगा। जल्दी 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 हील हो जा, बस हेल्थ फुल हो गई, कि फटाफट से ना गाइस निकलते हैं। वैसे मेरे को ना इनहेलर ले लेना चाहिए था चलते चलते, अभी फिलहाल ऐसे ही भागते हैं, गाड़ी कोई नहीं है मेरे पास। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं फुल स्पीड में भागता भागता जोन में पहुंच चुका हूं, और इस टाइम ना मुझे बस डर एक ही चीज़ से लग रहा है कि आखिरी एनिमी कहां पर है, क्योंकि यार मैं एकदम ओपन फील्ड में भाग रहा हूं, और अगर मान लो वो सामने वाले घरों में बैठा होगा तो मेरे को कितनी बुरी तरह मारेगा। बट कोई नहीं, फाइनली मैं जोन में पहुंच चुका हूं, जोन बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो अभी इसी घर के अंदर बैठते हैं थोड़ी देर और उस बंदे का इंतजार करते हैं, उसको ढूंढते हैं कहां पर। अगर ओपन में दिख गया ना तो समझ लो बुइया अपना है, और अगर जोन गया तो काम खराब। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैं जब से आया हूं ना तब से मैं इस तरफ ही घूम रहा था, बट अभी ना जोन और भी ज्यादा छोटा हो चुका है और मेरे ऊपर से जा चुका है, यानी कि अभी ना मुझे जोन में भागकर जाना पड़ेगा। बट यार अभी ना फिलहाल मेरे को पता क्या लग रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा
पूरा ओपन फील्ड जाना है। शिट यार, कोई नहीं, अभी साइड से। ओ यार शिट, कहां से मारा भाई, इतनी कम एचपी कर दी एक बार में, रुक जाओ। ओके ओके, वो रहा सामने एनिमी, इसको मारू या मैं कवर में जाऊँ? ओके पहले कवर में चलते हैं क्योंकि अपनी शील्ड टूट गई है भाई साहब। उसने बहुत तेज इसको मैंने मारूंगा। अबे भाई ये क्या था? शिट यार, उसने ना कोई बहुत तगड़ी स्नाइपर ले रखी थी, बट इसके भी एचपी कम नहीं है। एक शॉट इसके और पड़ना था, इसका खेल खत्म था यार। मुझे ना पहले हील करना चाहिए था भाई, ये बहुत तगड़ी स्नाइपर लेकर घूम रहा था यार। बट यार मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा खेला। अगर आपको भी गाइस गेम प्ले अच्छा लगा हो ना तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। मुझे मालूम है मैंने इस बार भी थोड़ी बहुत कम ग्लू वॉल यूज करी और शायद यही एक रीजन है मेरे हारने का। क्या पता मैं ग्लू वॉल लगा देता या कुछ और करता तो शायद बच जाता। बट हाँ यार, अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जाकर उनको बताना अपनी अपनी प्रो टिप्स। और हाँ यार, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोग फ्री फायर ऑपरेशन क्रोनो की मर्चेंडाइज लेना चाहते हो तो फ्री फायर इंडिया के सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, वहां पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और आप लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की सारी वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। Yeah.